मैडम जी की तनख्वाह में से देखो, मेरे लिए यही मिला आज खाली। अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं घंटा घर के पास में। ये सुंदर, इतनी सुशील धर्म पत्नी लगी हुई है भाई पैकिंग करने पे। मैडम को कैश में सैलरी मिली तो कैसा लगा आज? सर नोट दिखा दो मेरे को, कैसे होते नोट? पैन दिख गए मैडम के करारे करारे नोट का। तो आप सभी को दोस्तों सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम देशबंधु बोगड़ा है और स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में देहरादून साइड से। तो शाम के अभी 4:30 बज रहे हैं। आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों काफी देर से हो रही है। और बाकी बाहर के मौसम की बात करें, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम चटक वाली धूप लगी हुई है और हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी वही गर्मी ठीक ठाक हो रही है। वही गोलू बुला लेट वेट हो रखे हैं, ऊपर पंखा चल ही रहा है। और दोस्तों मेरी तैयारी हो रही है अभी रश्मि को लेने जाने की, उसका फोन आ रहा है। बाकी वही गर्मी ना ठीक ठाक हो रही, तो उसको लेने जाना भी जरूरी है। और खुशखबरी यह है दोस्तों कि आज बुआरी की सैलरी आ गई है, वो भी कैश में। आज पल्टन बाजार भी जाना है, हमने थोड़ी बहुत खरीदारी करनी है। और कल हमारी तैयारी हो रही है हसीन वादियों में जाने की, यानी कि भाई अपने गांव जाने की। तो थोड़ी बहुत खरीदारी करेंगे बाजार से। पुष्पा तो दोस्तों अंदर आराम कर रही है, बाहर पे है जी हमारी स्वीटी, यानी कि हमारी स्कूटी जो है ये बाहर पे है, तो इसको ही लेके चलता हूँ अभी। मेरे हेलमेट का जो स्टैंड था मोबाइल अटकाने का, ये भी भाई टूट गया है। बस ऐसे जुगाड़ करके मैं फोन लगाता हूँ तब जाके वीडियो बनाता हूँ भाई। बड़ी मेहनत लगती है साफ, थोड़ी बहुत लाइक वगैरह कर दिया करो यार। चलिए दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ अपने रूम से रश्मि को लेने जाने के लिए। और अभी हमारा प्लान ये है, पहले मैं रश्मि को लेने जाऊंगा और उसके बाद ना हम थोड़ा सा पल्टन बाजार की तरफ भी घूमेंगे। छोटा मोटा सामान लेना है घर के लिए, तो वो सामान भी ले लेंगे। बाकी दोस्तों अपनी गोल्डी बुली ने भी एक सामान मंगा रखा है, वो भी लेके आ जाएंगे। और सच बोलूं दोस्तों अभी ना शाम के 4:30 बज गए हैं, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही क्या बोले। हवा तो चल रही है लेकिन ना हवा भी गर्म गर्म हवा चल रही, फेक लग रहा पूरे बदन पे भाई गर्म हवा का। अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही मुझे कुछ पता नहीं है। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ, पूरी वीडियो भाई बनाई बाद में पता चला भाई रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलो भाई मैं तो डर के आ रहा था इस तरफ से। अच्छा है इस समय ना अभी फाटक बंद नहीं है, नहीं तो भाई दिन में ना यहाँ अक्सर ट्रेन आती रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगते ही रहता है। खास तौर से दिन के 2-2:30 बजे के बाद तो यहाँ पे भाई जाम लगा हुआ रहता है। तो चलिए दगड़ियों अभी मैं पहुँच गया हूँ रश्मि के हॉस्पिटल के पास में। 5-7 मिनट रह रखे हैं छुट्टी होने के लिए, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करते हैं उसका और फिर हम चलेंगे पल्टन बाजार की तरफ। आज तो भाई मैडम की तनख्वाह भी आ गई, वो भी कैश में, उसको उड़ाएंगे बढ़िया से। चलो जी फाइनली मैडम भी आ गई है, मेरे को पहचान नहीं रही अब पहचान लिया। होले होले कदमों से हमारी ओर बढ़ती हुई। हेलो जी, गुड इवनिंग, कहाँ जा रही? दादी के लेवल दवाई लानी है भले। अब उसे याद है कि दादी ने ना दवाई मंगा रखी है, तो कल हम ला दे दवाई। हम जा रहे हैं पल्टन में और अभी देखते हैं हम घर के लिए क्या क्या लेते हैं। तो फाइनली अभी हम पल्टन बाजार में पहुंच गए हैं जी, और आपको नज़ारे दिखाते हैं पल्टन बाजार के। ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं अभी पल्टन बाजार के नज़ारे। भीड़ अभी थोड़ी सी कम है, जैसे जैसे श्याम होगी और ठंडा होगा, टेम्परेचर गिरेगा, वैसे वैसे लोग यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे। बाकी मैडम ने शुरू कर दी है यहाँ पे अपनी खरीदारी। आज वो तनख्वाह भी मिल रही है मैडम को थोड़ी बहुत सैलरी तो उसको उड़ाने के लिए आ गई पल्टन बाजार में। पल्टन बाजार का मेन हिस्सा दोस्तों इस तरफ है, तो इस तरफ ना ठीक ठाक वाली भीड़ है। जिस तरफ अभी हम थे वहाँ थोड़ा सा कम भीड़ थी, तो यहाँ अभी देखिए बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही। आप बताओ इनमें से कौन सा पहने हुए? हेलो, इनमें से कौन सा पहनोगे? झुमके झुमके ओ बतेण तेरे कनोर झुमके। ये देखें मेरे पास कहाँ है आज कैश, कैश के माल के इंतु है। पैसे देते समय ना ऐसे ही होता सबको। खरीदारी करते करते थक गए भाई हम। अभी यहाँ पे आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं, मैडम जी की तनख्वाह में से देखो भाई आइसक्रीम का फायदा मिला मेरे को थोड़ा मेरे लिए यही मिला आज खाली है। अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं घंटा घर के पास में, और देखिए घंटा घर की घड़ी में अभी बज रहे हैं 6:10।
और यहाँ पर देखिए भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे भी हमारा थोड़ी बहुत काम है वो निपटाते हैं और फिर निकलते हैं अपने रूम की तरफ। अभी हम इस वाली शॉप पे आ गए हैं दोस्तों और यहाँ पे हम ले रहे हैं गोल्डी के लिए एक सेल्फी स्टिक। चलिए दोस्तों फाइनली भाई इधर के हमारे पूरे काम निपट गए हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पे। क्यों जी चले घंटा घर की घड़ी में अभी भाई शाम के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ के नज़ारे ना बड़े ही प्यारे लग रहे हैं अभी शाम के टाइम पे। गाइस अभी भाई हम नमकीन की एक शॉप पे रुक गए हैं और कितनी प्रकार की यहाँ पे भाई नमकीन है, बहुत स्वादिष्ट नमकीन है और माने जाने नमकीन वाले हैं भाई जी यहाँ पे। ये बहुत प्रकार के चिप्स भी हैं, खाली देख ही रहो, ले भी लो, आज तो तनख्वाह आ गई बढ़िया ढंग से। तनखा का नाम ले रहे हो इसको मुंह उतर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी हम एक गन्ने की जूस की दुकान पे रुक गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा भाई ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पियेंगे और गर्मी को दूर करेंगे। इस गर्मी में भाई यही सहारा है, गन्ने का जूस, माल्टे का जूस, जो भी जूस आपको पीने को मिले तो फटाफट भाई पी लो। देखिए जी जिस बात का डर था वही हुआ, आते समय तो ट्रेन मुझे मिली नहीं, आते समय ना यहाँ पे ट्रेन मिल गई है और अब यहाँ पे लग गया है भयंकर वाला जाम। अभी दोस्तों रूम पे आके भाई रश्मि प्यारी लग गई है साफ सफाई करने में, साथ साथ में मेरे को गाली भी दे रही है, आज बोल खाना बनाया और पूरी किचन की रेड मार रखी। इतनी प्यारी बुआरी किसकी हो सकती है भाई, हैं दिन भर ड्यूटी करे और शाम को इतनी साफ सफाई भी करे, ये सुंदर इतनी सुशील। अभी दगड़े वो कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है और आज उसका मूड ज्यादा खराब हो रखा, तनख्वाह आई और वो निपट गई पलटन बाजार में। चेहरा देखने लायक है, 400 में तनखा उड़ गई। तो चलिए दोस्तों अभी शाम के ना 9:30 बज गए हैं और यहाँ पे हमारी धर्मपत्नी लगी हुई है भाई पैकिंग करने पे, तो मेरे भी बहुत सारे यहाँ पे कपड़े निकाल दिए और अपने भी कपड़े निकाल दिए। तो कल हमारी तैयारी हो रही है गांव जाने की, तो हमारी यहाँ पे भाई पैकिंग सैकिंग चल रही। तो आज मैडम को कैश में सैलरी मिली, तो कैसा लगा आज? अच्छा नहीं लगा क्यों? तो ऐसा हुआ कि मतलब आज पहली बार की कैश में मिली सैलरी? अकाउंट प्रॉब्लम चल रही, दिखाओ ना जरा कितने नोट मिले मेरे को भी दिखाओ थोड़ा। नहीं खाता यार तुम्हारे पैसे यार, मैं तो देख लूँ कम से कम, हमको आज तक नहीं मिली यार कभी कैश में सैलरी, कसम से भगवान कसम यार। जब से दोस्तों ये भीम ऐप, अलाना ऐप, फलाना ऐप, फोन पे हुआ तब से तुम्हें रुपए देखना ऐसा हो गया भगवान कसम, क्या बोले एक रुपए नहीं दिखता भाई कभी, सारा मतलब फोन से ही उड़ते रुपए, फोन पे ही आते और फोन से ही उड़ते। तो आज मैडम को थोड़ा सा मना रहा हूँ, प्यारी थोड़ा सा नोट दिखा दो मेरे को कैसे होते नोट। उसके लिए काम करना, क्या क्या काम करना पड़ता? पैर पड़ो, पैर पड़ो, रात का खाना बनाओ। रात का खाना बना देंगे, निकालो जरा वो करारे करारे नोट। ये देखो दगड़ियों फाइनली वे रुपए दिख गए मैडम के, करारे करारे नोट, करारे करारे ये मैडम की आज सैलरी मिली। सारे रुपए मेरे को देने के क्या लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, क्या करना पड़ेगा, मतलब ये बता दो थोड़ा सा साफ साफ शब्दों में। चलो जी इनको इनका काम करने देते हैं, हम निकलते हैं बाहर। ओके टट्टा बाय बाय। पैकिंग करते करते दोस्तों अभी रात के 10 बज गए हैं और इतने में गोलू भी आ गया है। कहाँ गायब थे भाई साहब, रात के 10 बजे आ रहे दोस्त क्या? तो रात के ठीक 10:10 हो गए हैं अभी। ये देखिए हमारी पैकिंग लगभग हो ही गई है कल के लिए दोस्तों, हमारे पास ना ठीक ठाक सामान हो गया, इसमें लगभग 30-35 किलो के आसपास हमने भाई सामान भर दिया है। थोड़ी बहुत फल फ्रूट हैं और थोड़ी बहुत ना घर का सामान है डेली यूज का। माँ जी भाई हमारे लिए भी ऊपर से ना भर भर के कट्टों में बहुत सारा राशन पानी सब्जी वगैरह वगैरह देती रहती है और इस बार हम भी सोच रहे हैं कि हम भी माँ जी को कट्टे में भर भर के सामान देंगे। वही बोलो ठीक रहेगा, जितने कट्टे माँ जी देगी उतने कट्टे हम ऊपर पहुँचाएंगे ऐसे भर भर के, ठीक है न? ये साफ फिर बराबर रहेगा न। कल सुबह सुबह हम यहाँ से निकल पड़ेंगे एक सुहाने सफर में, यानी कि भाई अपने गांव की तरफ। बाकी भाई गोलू के एक आध पेपर हैं बीच में तो गोलू यहीं रहेगा। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी आपको एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड।